अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक ठाक। पता नहीं हवाओं का शोर आज कितना आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की कि आज अपना ना मैंने कॉलर माइक साथ नहीं रखा, वरना नॉइज़ कैंसिलेशन थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको हवा की आवाज़ थोड़ी कम आए, मतलब मेरी आवाज़ कम और हवा की आवाज़ ज़्यादा है हवाओं की, तो नाराज़ नहीं होइएगा। मैंने बोला यार काफ़ी टाइम हो गया ना, मैं कराची के सी साइड नहीं आया। एक तो कराची का सी साइड भी ना इतना करीब नहीं है, कहाँ मैं हाईवे की तरफ रहने वाला और कहाँ ये क्लिफ्टन साइड। यार इमार वैसे बन गया है, यहाँ से तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन यार इमार जाने का मेरा मूड है। लेकिन एक बंदा जिसको बाइक चलानी नहीं आती, वो किस तरह अकेले इतना ट्रैवल करे, ये तो भाई अल्लाह ताला की ही मुमकिन करवाते हैं हमेशा। तो पहले ना थोड़ा करीब से सी व्यू दिखाएं। यार बहुत टाइम बाद आया हूँ, लेकिन यार अफसोस होता है मुझे यार यहाँ की जो हालत देख के ना, यार कसम से यार मैं गवादर भी ट्रैवल किया है वहाँ का भी सी साइड, आप मेरे पुरानी वीडियो में देखोगे। माना बड़े शहर है, वसाइल की कमी हो सकती है कहीं ना कहीं, इतना आसान नहीं होता, लेकिन यार बहुत हालत ख़राब है। ये तो जून का महीना है, आम दिनों में इतना रश यूँ है कि स्कूल्स वगैरह बंद है, तो बहुत सारी फैमिलियाँ आई हैं, बहुत सारे कपल्स आए हैं यहाँ घूमने के लिए, और मैं स्टिल सिंगल। वह यार नीचे की जगह दिखाते हैं आपको, सही है, वो ज़्यादा देख के अच्छा लगेगा आपको। ये देखें सीपियाँ, ऊँट की सवारी थोड़ी दूर है, करीब कर देते हैं। हाँ ये ऊँट की सवारी, ये घोड़े की सवारी। कुछ दिनों पहले एक अंग्रेज यूट्यूबर था, वो आया था, वो यहाँ के घोड़ों की सवारियों में फंस गया था, इतने पैसे थे, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, लेकिन मैं ऐसा सफ़र नहीं करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये लो एक ये एक तो डॉलमिन की बिल्डिंग है और ये बहरिया की बिल्डिंग, ये 2015 से देख रहा हूँ लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हुई। यार पानी के करीब मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा यार, लेकिन हाल ज़रूर दिखाऊँगा यार। ये दिखने में कुछ थोड़े लग रहे हैं, लेकिन ये देखें, ये जितना करीब करते जाऊंगा लोग बढ़ते ही जाएंगे। सोचा कि जब इतना करीब आ चुके हैं तो पैर थोड़े से गीले ही कर लेते हैं यार। यहाँ देखें जब तक, हाँ मुझे पता आता है यार, गवादर जाके मैंने गवादर के समंदर में ना पैर इतने गीले नहीं किए जितना मैं यहाँ गीले करने जा रहा हूँ। ये चप्पल काम आएगी मुझे पता है आज बहुत। शूज में ना बेड़ा गर्क हो जाता है, कितना आगे जाऊं यार। ओए होए 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 होए, मजा आ गया। मेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम टाइप कपड़े नहीं है ना, वरना मैं और ज्यादा यहाँ पे। यार समंदर तेज़ है, जिसको तैरना आता है वो रिस्क ले, जिसको तैरना नहीं आता वो अपनी ज़िंदगी से इश्क ले। ये लोग काफ़ी मेरे पैर पानी में आ गए यार। यार एक रिक्वेस्ट है, जैसे ये आइसक्रीम बेच रहे होते हैं ना ये, या ये घोड़सवारी कर रहे होते हैं, या ये आप लड़का देख रहे हो समोसे पकौड़े जो भी एक्स वाई ज़ेड बेच रहा है, मुझे पता है नॉर्मल रेट से तो इनके रेट आपको ज़्यादा ही लगेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है यार कुछ खरीद लिया करो यार कसम से। मैं चाहता भीड़ वाली जगह पे भी वीडियो बना सकता था, मैंने भीड़ वाली जगह पे इसलिए नहीं बनाई कि यार फैमिलीज होती हैं, अच्छी बात नहीं है, पता नहीं कोई माइंड ना कर जाए ना। और वैसे भी यहाँ ज़्यादातर तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कराची वाले, जिनको गैर मुकामी कहते हैं ना, तो होते हैं गैर मुकामी, घूमने आते हैं बेचारे और क्या करें कराची वाले। अब जैसे मैं हूँ कराची में, तो अच्छा ये बातें ना जब तक, हाँ वो बातें अब मैं आपको देख देख के बताऊँगा, ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था जाहिर सी बात है, हम जो कराची वाले लोग हैं, इन लोगों के मुकामी कह रहे होते हैं, यही दादा घूमने आ रहे होते हैं, और जाहिर सी बात है भाई अब मैं कोई इख्तलाफात वाली बात नहीं करूँगा, बहुत से लोग कहते हैं ये लोग ख्याल नहीं रखता, फिर जाहिर सी बात है यार जब लोग का रश बढ़ जाएगा तो उनमें से अगर 100 में से 90 लोग ऐसे होंगे ना कि जो सफाई का ख्याल रखें, अगर 10 लोग नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है सत्यानाश तो होगा। इसलिए आप भी जब आएँ घूमने के लिए किसी लिए, तो भाई जहाँ भी जाएँ, सी साइड जाएँ, किसी सिनेमा में जाएँ, किसी पब्लिक पार्क जाएँ, तो भाई सफाई का ख्याल आप भी रखें, क्योंकि इंसान से ही मुआशरा परवान चढ़ता है, अच्छा बुरा वो इंसान की अपनी सोच और ख्यालात और उसके अमल के ऊपर है। यार कैप नहीं पहने, कैप पहन लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ आए जो लोग बेचारे, जहाँ जितना हो सकता है आप चीज़ें खरीदें, इतनी महंगी नहीं होती हैं, बजट इनका 100 से 150 के बीच में ही होता है, तो अगर आप 1000-1500 रुपये यहाँ खर्च कर सकते हैं तो यहाँ कुछ खा पी भी लिया करें, तो इन बेचारों की मदद हो जाएगी। बहुत सर से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था
जिसमें मैंने ये कहा था, वो मेरे फेसबुक जो पेज पे है वो वीडियो, कि ज़िंदगी की उम्मीद उन लोगों से सीखें जो यहाँ कैमरा लेके तस्वीरें मतलब आपकी खींच के आपको सेल करेंगे। हालांकि ये लोग जानते हैं तकरीबन आजकल हर मोबाइल में कैमरा है, सही है, चाहे वो 15,000 वाला हो या वो 5,00,000 वाला हो, फिर भी लोग सेल्फियाँ खींच के खुद भी आउटफिट करवा लेते हैं। लेकिन आप भी करवाएं, अच्छी बात है। सी साइड आके बहुत सारी चीज़ें अगर अच्छी जहन में आती हैं तो उन पर अमल दरामद भी शुरू कर दें। और फिर कहते हो अगर आवाज़ आज कम आया तो बहुत बहुत माजरत। और जून जुलाई का महीना है, छुट्टियां भी छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जब टाइम मिले। बस इतना कहूँगा कि बिल्कुल डॉल्फिन के पीछे वाले सी साइड पर ना जाएँ, थोड़ा आगे आएँ। और अगर मैं इमार गया ना तो मैं इमार के लिए अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ का सी साइड बहुत अच्छा है। यहाँ से तो मुझे इमार की बिल्डिंग नज़र आ रही है, लेकिन पता नहीं वहाँ से कितनी नज़र आए ना है। अच्छा, वीडियो में बताएं कि क्या बात अच्छी लगी, क्या बात अच्छी नहीं लगी, कुछ देखना चाह रहे हैं तो वो भी बताएं। इंशाल्लाह वहाँ जाके आप वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई कीजिए मेरी, सही है। अल्लाह हाफिज़।